नमस्कार दोस्तों, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मेरे इस ब्लॉगिंग के सफर में यूट्यूब के फैमिली में एक और चीज जुड़ने वाला है, और ये है डिजिटेक का 3 एक्सिस गिम्बल। मैंने इसे अभी 6000 रुपये में ऑर्डर किया था, और मैं इसको आज अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दिया है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये जस्ट जानकारी देने के लिए है कि ब्लॉगिंग में ये भी शामिल हो चुका है। और ये है DSG007F। तो अब और भी वीडियो जो पहले ब्लॉगिंग करते समय जो हिलता था, कहीं घूमने गए हिलता था, तो वो स्टेबलाइजेशन वीडियो का अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो अब धीरे धीरे करके अपग्रेड होता जा रहा है। तो अभी मैं इसको बताता हूँ, और एक बार इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। ऑलरेडी मैंने एक दो बार इसका उपयोग कर चुका हूँ वीडियो बनाने में। तो ये सबसे पहले इसको फोल्ड अप करते हैं, और फिर मोबाइल को हम लगाते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, डिजिटेक कैमरा का डायरेक्शन जो है वो, ये कैमरा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखना है, और ये क्लिप को ऐसे खींचना है, खींचने वाला है पूरा तरह, इसको खींचना है, इक्वल पार्ट में कर देना है, देखना है बैलेंस है कि नहीं है। अभी भी बैलेंस नहीं है, सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे लगभग बराबर। हालांकि 3 एक्सिस केबल ये डिजिटेक का ना है कि अब को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो ये मोटर जो ये लगे हुए, यहाँ 3 मोटर है, एक यहाँ मोटर है, एक यहाँ पे मोटर है, मोटर लगा हुआ है, और एक यहाँ, इसीलिए इसका नाम है 3 एक्सिस गिम्बल। अब पावर को करते हैं ऑन। जैसे पावर को ऑन किए तो ये ऑन मोड में आ गया। अब हम इसे शूट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ब्लूटूथ से अटैच करता हूँ, इसका ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ। और पेयर कर लेता हूँ एक बार। मैं इसको पहले ब्लूटूथ को पेयर करता हूँ, और यहाँ पे GP7D0 लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, और ये हो गया, कनेक्ट हो रहा है। पहले सर्च कर रहा है, सर्चिंग करने के बाद कनेक्ट करेगा। और इसमें 3 बटन दिए गए हैं। ये है जॉयस्टिक, जिसको आप इधर भी घुमाइए उस डायरेक्शन में ये घूमेगा, इधर कीजिए तो ये घूमेगा, और एक ये मोड चेंज करने वाला है सीधा करने के लिए। और इसको अगर पोर्ट्रेट मोड में करना है तो एक बार आप ऐसे करेंगे, आपको स्टेबलाइजेशन वीडियो बनाने के समय ये अच्छा देने वाला है। आप चाहे इससे रील्स बना सकते हो, मैं तो इसी से सब अभी काम कर रहा हूँ, एक दो वीडियो शूट किया हूँ, और ग्रिप भी अच्छा है, पकड़ने में भी अच्छा है। तो ये अभी शामिल हो चुका है। चार्जिंग पोर्ट है, 3 बटन है, और एक बटन यहाँ क्लिक करने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए, या वीडियो शूट करने के लिए ये बटन है। अब बैटरी इसमें लगा हुआ है, इनबिल्ट बैटरी है, वजन लगभग 400 ग्राम के लगभग में है, और बैटरी बैकअप मैंने एक दिन यूज किया, लगभग 2 से 2.5 घंटा चला है। ये डिजिटेक का गिम्बल है। तो आज का अपडेट यही था, ताकि ये अब आगे की जितने भी ब्लॉगिंग करूं तो ये उसमें हेल्प करेगा। और अभी जैसा कि आपको धनकट्टी का सीजन चल रहा है, हमारे आसपास में धनकट्टी अभी चल रहा है, आपको भी दिखाए थे उसका वीडियो। अभी इसका उपयोग हम करने वाले हैं डेली के ब्लॉगिंग में, और ब्लॉगिंग कल मैं नहीं बना पाया था, उसके लिए भी सॉरी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें प्यार जताइएगा। इसके साथ एक चीज़ और है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसमें लगा देने के बाद कहीं भी आप रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।